तो मेरे भाई लोग, चिप थ्रिल सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आई थिंक शिया फर्लर का वो सॉन्ग जो 2016 में रिलीज हुआ था। तो क्या चिप थ्रिल सिर्फ इस गाने का टाइटल है या इसका कुछ मीनिंग भी होता होगा? सो हेल या फ्रॉम माई साइड, इट डज हैव अ मीनिंग। चिप थ्रिल का कुछ मतलब भी होता है, क्योंकि देखो 2016 में रिलीज हुआ था यह सॉन्ग चिप थ्रिल, लेकिन चिप थ्रिल एज अ स्लैंग कब से यूज होते आ रहा है, अब भी होता है। ठीक है, तो चलो स्प्लिट करते हैं चिप थ्रिल इस स्लैंग को। चिप थ्रिल, चिप का मतलब होता है सस्ता, थ्रिल का मतलब होता है एक्साइटमेंट, उत्साह, रोमांच या मजा बोल सकते हो। ओवरऑल बोल सकते हो चिप थ्रिल मतलब सस्ता मजा। अभी तक क्या सुने थे? सस्ता नशा, लेकिन चिप थ्रिल का मतलब सस्ता मजा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सस्ता मजा क्या होता है? सस्ता मजा बोले तो वो मजा जिसको लेने के लिए तुम्हें कुछ खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, चिप थ्रिल मीन्स अ माइनर थिंग डन फॉर एंटरटेनमेंट। कोई भी छोटा मोटा काम किया जिससे आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल गया, मनोरंजन मिल गया, तो होता है चिप थ्रिल। या बोल सकते हो एक्साइटमेंट दैट डजंट टेक मच एफर्ट टू गेट। वो एक्साइटमेंट या वो मजा जो लेने के लिए कुछ खास एफर्ट नहीं मांगता, ये होता है चिप थ्रिल, यानी कि सस्ता मजा। सस्ता मजा जो है ना, ज्यादा लंबा नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए रहता है मजा। ठीक है, इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होता फ्यूचर में। अब तुम लोग को एग्जाम्पल्स देके समझाता हूँ चिप थ्रिल का मीनिंग, अगर अभी भी समझना है तो। सस्ता मजा होता क्या है? देखो, ये तो जग जाहिर है कि तुम्हारे भाई और कुत्तों के बीच में ना 36 का आंकड़ा है। पता नहीं यार क्यों देखते ही भौंकने लगते हैं लौड़े लोग, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी ना कुत्तों से बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मेरा दोस्त है, उसके यहाँ कुत्ता बंधा रहता है। मैं जब भी जाता हूँ ना, तो क्या करता हूँ, कुछ खाने का देता हूँ, जैसे पकड़ने के झपटता है उसको फट से हटा लेता हूँ वहां से। ठीक है, उसे क्या है, बदला भी ले लेता हूँ, मुझे सस्ता मजा भी मिल जाता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। चार लोग वहां पे बैठे रहते हैं, हंसते हैं वो सब देख के। ठीक है, ये होता है सस्ता मजा। और अपने लाइफ के कुछ चिप थ्रिल्स के बारे में बताता हूँ तुमको, बोले तो जो सस्ते मजे मैंने लिए हैं। देखो, मैं तो ठहरा गांव देहात का आदमी। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं हुआ करता था ना, तो हम सभी के सभी दोस्त इकट्ठा हुआ करते थे। फिर गर्मी की छुट्टी में सीधे के सीधे हम लोग क्या करते थे, आम के पेड़ में चढ़ा करते थे। इसलिए नहीं कि आम खाना होता है, इसलिए कि आम पेड़ वाला अगर हमें देख ले, गंदे से गुस्सा करेगा, उसका आम तोड़ रहे हैं इसलिए, और गंदे से दौड़ाएगा हम लोग को फटते तक, जिससे क्या है, हमारी गांड फटेगी कि आदमी पकड़ लेगा तो हमें पीट ना दे, हम भागेंगे वहां से, थोड़ा सा मजा आएगा। किस टाइप का मजा? सस्ता मजा। ठीक है, ये हो गया चिप थ्रिल। अब देखो, चिप थ्रिल को जरूरी नहीं कि आप बकचोदी के लिए यूज करो। चिप थ्रिल बोले तो सस्ता खुशी भी बोल सकते हो। सस्ता खुशी, जैसे मान लो बाहर बारिश हो रही है, मूड अंदर खराब है मेरा, बारिश में गया और वहां पे मिट्टी विट्टी है, वहां सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी, तो एक टाइप का अच्छा फील होता है ना, तो ये हो गई सस्ती खुशी। ठीक है, कुछ खास एफर्ट नहीं लगाया खुशी को पाने के लिए और अब सस्ते में मिल गया। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जिसको पढ़ के तुमने थंबनेल पे क्लिक किया है, कि क्या सेक्स और चिप थ्रिल एक ही होता है? सो द आंसर इज नॉट कम्प्लीटली, नॉट ऑलवेज, बट समटाइम्स यू कैन यूज इट एज अ सिनोनिम फॉर सेक्स। ठीक है, चिप थ्रिल को कभी कभी आप सेक्स के सिनोनिम के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं। कैसे यूज होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप कोई वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे ना, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, तो वहाँ मान लो कोई बंदा किसी अनजान चलती फिरती बंदी के साथ सेक्स कर लिया, वो भी फ्री में, तो वो कहलाएगा चिप थ्रिल। पेड सेक्स नहीं ना, पेड सेक्स चिप थ्रिल के अंदर नहीं आता, क्योंकि डेफिनेशन क्या है देख लिए ना तुम, सस्ता मजा, सस्ते में निपटाना होता है। तो वेस्ट में मान लो कोई बंदा किसी बंदी को बोलता है, लेट्स हैव सम चिप थ्रिल्स बेबी, तो वो बोलना चाह रहा है कि चलो बेबी थोड़ा सा कोंटे में निपटाते हैं। इस चिप थ्रिल स्लैंग का यूज ना वेस्ट में फॉर सेक्स द पाक यूज होता है। तो अब बताता हूँ कि चिप थ्रिल का यानी कि सस्ता मजा का किसी सेंटेंस में कैसे यूज करोगे। एग्जाम्पल, आई लाइक इरिटेटिंग माई नेबर्स डॉग एज अ चिप थ्रिल। मुझे अपने पड़ोसी के कुत्ते को इरिटेट करना, तंग करना अच्छा लगता है, सस्ते मजे के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेला कैन स्लीप विथ एनी बडी फॉर अ चिप थ्रिल। बेला मान लो किसी लड़की का नाम है, वो किसी के भी साथ सो सकती है सस्ते मजे के लिए, चिप थ्रिल के लिए। सो दैट इज इट गाइज, आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है यार, कि डोंट ट्रीट मी एज अ टीचर। मुझे कोई टीचर विचर मत मानो यार, फिर बाद में बोलते हो कि नवीन शर्मा पढ़ाते पढ़ाते गंदी जबान यूज करता है, एक टीचर का इमेज खराब कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई, मैंने कब बोला कि मुझे टीचर बना दो? मेरी वीडियोस देखते वक्त सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखो, कि मैं तुम्हारा भाई हूँ
या तुम्हारा फ्रेंड हूँ, कुछ नया शेयर कर रहा हूँ एक फ्रेंड के लैंग्वेज में, नथिंग मोर देन दैट। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब मारो यार, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग फर्दर नोटिफिकेशंस। और थोड़ा लाइक वाइक मारा करो यार, यू नो, बिकॉज इट इनकरेजेस मी अ लॉट टू मेक मोर सच वीडियोज। और हमेशा ईयरफोन रखो अपने साथ मेरी वीडियोज देखते वक्त। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।